थोड़ा बैलेंस सही रखना, बाकी जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता बताते रहना। सेफ ड्राइवर हूँ मैं, ठीक ठाक तरीके से पहुँचा दूंगी, ये गारंटी है। आगे से लेफ्ट। सीधा। अभी आगे से लेफ्ट। फिर से? अब जहां जाएंगे वहां लेफ्ट है तो क्या करूं? आराम। आगे से राइट। हाँ यहीं से राइट 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 राइट। सब्जी मंडी आना था तो पहले ही बता देते, शॉर्टकट चले आते। तुम्हारी सब्जियों की नॉलेज ना आज चेक करते हैं। चढ़ जाओ, मन करता है मुक्का मार दूं। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। ये कर दीजिए। पाजी साहब को धनिया दे दो, धनिया के चक्कर में हरी अजवाइन उठा दिए। सैलरी 4-5 बंडल सैलरी के दे दीजिए। है जी। हरी अजवाइन। अच्छा जी। अरे हरी शिमला मिर्च है ना, फिर इतने सारे लाल पीले क्यों ले रहे हो? रेड ग्रीन येलो कैप्सिकम में क्या फर्क है ये तुम्हें कैसे पता होगा? एक्चुअली मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहा हूँ? ग्रीन कैप्सिकम कच्ची होती है और क्रिस्पियर होती है, इसलिए सब्जियों में सबसे ज्यादा यूज होती है। येलो कैप्सिकम इज द मैच्योर वन और लाल कैप्सिकम इज ऑन द स्वीटर साइड, इसलिए इटालियन मैक्सिकन चाइनीज खाने में यूज होती है। एनीवे पाजी। हाँ जी। आलू जो है गोल और छोटे चाहिए तो प्लीज दे दीजिए। दिख रहा है ना, सब बड़े साइज के आलू हैं, छोटे छोटे छांटने बैठेंगे ना तो रात यहीं हो जानी है। तो की फर्क पैंदा है, आलू कट के छोटे ही हो जाने। आलू जिस साइज के सर्व करते हो उसी साइज के खरीदने चाहिए, कटने से आलू की नेचुरल एसेंस खत्म हो जाती है। बट हाउ वुड यू नो, व्हाट अ वेस्ट। ये गोभी फ्रेश नहीं है? फ्रेश है जी पाजी। बाहर से मिट्टी है, अंदर से फ्रेश है। इसकी तंदूरी गोभी बहुत अच्छी बनेगी, पर किसी को तो शायद परख ही नहीं है। व्हाट अ वेस्ट। पाजी पैक कर दीजिए। हाँ जी। हेलो जी। थैंक यू। सारी सब्जियां सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज करोगे तो खाओगे क्या? चलो कोई नहीं, जरूरत की चीजें मैंने ले लिए। क्या कर रहे हो ये? क्लाइंट मैं हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो करो। खाना तुम अपने स्टाइल से बना सकती हो, लेकिन जैसी तुम्हारी शक्ल है डिशेस की शक्ल वैसी नहीं होनी चाहिए। वेट अ सेकंड, आई एम नॉट डन येट। ड्रेसिंग मैं अपने स्टाइल से ही करूंगा। ठीक है, पर तुमने जो मेन्यू फाइनल किया है ना उसमें कुछ चेंजेस हैं, नहीं तो मुझे राजू नंगल जी से बात करनी पड़ेगी। मैडम दारजी इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें एंटरटेन करते रहेंगे, जो भी सजेशंस हैं मुझे दे दो, मैं देखता हूँ यूज करना है या नहीं। थोड़े दिन की बात है, फिर मेन्यू से डिशेस क्या, अमृतसर के मैप से ढाबा ही गायब हो जाएगा। पाजी 1 किलो रोज पेटल्स दे दीजिए। थैंक यू।
हेलो, काम हो गया? ठीक, घर आ जा, वहीं मिलता हूँ। ये मेन्यू फाइनल है, डोंट यू डेयर चेंज इट। रुको, वो जो बेल पेपर्स वाली लिस्ट मैंने तुम्हें बताई थी, तुमने नोट की? नोट कर लो। अरे यार, मैं तुझे कब से फोन कर रहा हूं, वो गोल सब कुछ नोट कर लेना और कुछ मिस नहीं होना चाहिए। एंड आई वांट एवरीथिंग ऑन टाइम। तेरा इंतजार कर रहा था। ये देखो जी, गारंटी पेपर्स साइंड। मम्मी जी, अब साइन रह गए थे। देख, सारे पेपर थे, मैं एक बार में नजर मार के साइन कर लांगी। नहीं नहीं, नजर तो मार चुका हूं ना मैं सारी, आप बस साइन कर दो। अब मेरी बैंक मैनेजर से बात होगी, वो जितनी जल्दी चेक लगाएंगे वो दोपहर तक क्लियर कर देगा। ये मेरी कस्टमर कॉपी जी, पर चेक कर लो बेशक। मैंने अपना प्रॉमिस टाइम से पहले पूरा कर दिया। गुड जॉब गोल्डी, तेरी बाकी की पेमेंट भी मैं ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मैं निकल रहा। गारंटी पेपर्स तो आ गए, व्हाट नेक्स्ट? केटरिंग में अगर वो गलती से भी गलती करेगी तो ढाबा गया उसके हाथ से। लेकिन उसके कॉन्फिडेंस को देखकर लगता नहीं कि वो गलती करेगी। हाँ जी, हाँ जी, पैसे मिल जाएंगे प्राज। हाँ जी प्राजी, हाँ जी, भिजवा दूंगी। गुलाबू जी, हाँ, सब ठीक? हाँ जी पुत्र। पुत्र, ये जो तूने नाम दिए थे ना, सबसे मैंने गल कर ली, मोल भाव करके जितना रेट कम करना था करा लिया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि रेट थोड़ा ज्यादा है। पुत्र, वेंडर एडवांस मांग रहे हैं। मैंने लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करके कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे ना? नहीं गुलाबू जी, आप टेंशन ना लो, एक बारी मैं गल करके देखती हूँ, कुछ भी हो जाए इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं अपने पैर पीछे नहीं लूंगी। पुत्र, मैंने ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी हैसियत से बहुत बढ़कर है और हमें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अरमान, इस कॉन्ट्रैक्ट को हाँ करने का पछतावा उन्हें हमेशा रहेगा। गेम ओवर किन्नी ग्रेवाल। कल सुबह ना टाइम पे आ जाना और डेकोर बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसा मैंने बताया, समझे? कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, तू इत्थे आ, सीधी खड़ी रहे। अरे दी, क्या कर रहे हो आप? कल से आपके मैरिज फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं ना, खुद को थोड़ा स्ट्रांग रखो, माइंड स्ट्रांग रखो। हाँ, ओए होए, पुश्तैनी जेवर। वाह जी वाह, फाइनली चाची ने थोड़ा प्यार आया। वैसे भी ना, जो पुश्तैनी जेवर होते हैं ना, वो ही देख के पता चलता है कुड़ी किन्ने बड़े खानदान की है। लाओ जी लाओ, मैनू दे दो गुलीन, अभी संगीत विच पहन ले। ये गुलीन के लिए नहीं है, ये बीजी ने अंबर जी की वाइफ के लिए दिए थे, अब वो तो मैं हूँ, तो ये मेरे हुए है ना। एक्चुअली ने पॉलिश करवाने के लिए भिजवा दिया। हुँ?
गहने बीजी ने मेरी मॉम को दिए थे और आप सुप्रीत अंबर राज सिंह मेरी मॉम नहीं है। हाय हाय, हाथों से छीन लिए जेवर। ब्याह में चाची का गला सूना नहीं लगेगा। खैर कोई नहीं, जेवर तो बहुत सारे होंगे ना आपके पास, कोई भी पहन लेना। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो पुश्तैनी टाइप नहीं होंगे ना आपके पास। कोई बात नहीं, मेरे पास है, मेरा वाला कोई पहन लेना। ओहो, एक और प्रॉब्लम है, मेरे पास तो वो विंटेज टाइप है ना, तुम्हारा वाला क्लासी टाइप नहीं है, क्योंकि क्लासी बनने के लिए ना पहले किसी की सेक्रेटरी बनना पड़ता है, फिर दूसरी बीवी बनना पड़ता है। इतना क्लास नहीं है भाई मेरे पास। चलो देखो कितने अच्छे कार्ड छपे हैं, बच्चों आओ देखो। वाह जी वाह, तुम्हारे कोई स्पेशल इनवाइट है जिसे भेजना है? अच्छे है ना? अच्छे क्यों नहीं होंगे, मेरी चॉइस है, अच्छे ही होंगे ना, है? सच में सब कुछ चंगी तरह हो रहा है, जैसा मुझे चाहिए था ना बिल्कुल वैसा ही। बस एक बात है, वो जो केटरिंग वाली झल्ली है ना, कोई वो कोई गड़बड़ ना कर दे। चल जा तू भी ना, गड़बड़ गड़बड़ कह के खुद गड़बड़ ना कर देगी। चिंता ना करो, समझदार कुड़ी है, सब सांभ लेगी। आनंद पुत्र कार्ड दिखाओ। दारजी आपको कितने कार्ड दे दूं? मैंने तो बस एक ही कार्ड चाहिए पुत्र, तुसी बाकी सारे वंडाओ। हाय दारजी, पोती का ब्याह है, एक ही कार्ड? हाँ। चलो कोई नहीं, क्या नाम लिखना बता दो, नाम लिख देते हैं। थैंक यू पुत्र, तुसी बाकी कम करो, मैं खुद लिख लूंगा। एक कार्ड लेके मैं पर्सनली जाना चाहना। ये दारजी को हर फंक्शन के लिए एक ही इनविटेशन कार्ड क्यों चाहिए होता, आखिर है कौन वो? डिम्पी वीर जी के कमरे से और बिल ले क्या? ये ग्रोवर दे, ये शर्मा जी दे, टोटल ज्यादा लग रहा है, एक बार फिर से कैलकुलेट करती हूँ। कितना भी टोटल कर ले, ज्यादा ही आऊगा। 3 लाख एडवांस मिले हैं और खर्चा 7 लाख से ज्यादा है, पहले ही हमारे सर पे इतना सारा कर्जा है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो हमारे सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पाएगा। गुलाबू जी तुसी ऐसा क्यों सोच रहे हो? 4 लाख दा कर दो, डन कर दो। देखो जी मुंह मांगे पैसे दे रहा हूँ, अब हाई क्लास वेटर चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ। क्या मैं यहीं रहता हूँ? मेरे को फिर कभी फुर्सत में देख लेना। सिंह साहब दे संगीत सेरेमनी है तो तैयारी तो नहीं करो, जाओ। तू मैंने दस, तू कौन से काम में लगा हुआ है? हर दूसरा काम अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को देगा, हमारा खर्चा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास जो बेस्ट चीज है वही तो ले रहा हूँ। तू देखी हम लोग एकदम टिच काम करेंगे, कोई भी केटरिंग होगी ना सबने बोलना खुशवंत दा ढाबा बेस्ट है। अरे कोतिया, ए बहुत वड्डा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐदे वास्ते सानू इन्ना तजुर्बा भी नहीं है, इसलिए कदम बहुत फूक फूक के रखना है और खर्चा हाथ खिंच के करना है, समझा तू? और की देख, काम शुरू होने से पहले कितने की बिलिंग होगी है, मैनू लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। क्या? गिने दे दे पेपर्स। राजवंत अंकल जी, किनी छेती जा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, तुसी दरवाजे ते क्यों खड़े हो, अंदर आओ जी। सत श्री अकाल पुत्र जी, जींदे बसदे रहो, रब चढ़दी कला बख्शे। पापा जी भी आपके जैसे चढ़दी कला बोलते से, जितने साल बाद किसी ने मैंने चढ़दी कला बोलिया है,
आप आइए ना, अंदर आइए जी। सत श्री अकाल जी, बैठो जी बैठो जी। मैं बस दो मिनट में आई। आप बिल्कुल सही टाइम पे आए जी, हम बस खाना बना के ही हटे थे। ना पुत्र जी, तुसी खाना रहने दियो। अरे ऐसे किवे हो सकता है जी, पापा जी कहते थे मेहमान की पेट पूजा करान से ज्यादा पुण्य और कोई नहीं होना, बाकी बातें बाद में। गोली अंकल जी के हाथ धुलवा दे जल्दी से। शुरू करो जी। वाकई बहुत स्वाद है गिल्ली। थैंक यू अंकल जी, अभी तो मेरे पास पापा जी के कटहल के कबाब की रेसिपी नहीं है, वरना आप उंगलियां और कटोरी दोनों चाट जाते। गिनी पत, जदों दा मैं इत्थे आया मैं वेख रहा तू उन्ने सा नहीं ले जिम्मेवारी तू अपने पापा दा ना लिया है। मेरा तेरे पापा दे नाल बड़ा प्यार सी ना। हर कुड़ी का सबसे पहला प्यार तो उसके पापा ही होंदे हैं, और मेरे पापा जी तो बिल्कुल बच्चे जैसे थे, मैंनू उनसे बहुत ज्यादा प्यार है। पापा जी बच्चे वर्गे सन, की मतलब पुत्र? उन्हें भूलने की बीमारी थी ना, अल्जाइमर्स, संभालना पड़ता था। आखिरी के दिन उनके लिए बहुत मुश्किल वाले थे, पर फिर भी वो मुस्कुराना कभी नहीं भूले जी। सॉरी अंकल जी, पापा जी का नाम आते ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ। गिनी तो बस जब पापा जी का नाम आता है तब रो पड़ती है, वैसे तो हंसती रहती है। तू चिंता बिल्कुल ना करो, तुम्हारे फंक्शन विच गिनी ने रंग जम देना। गोल्डी पुत, मैं अपनी जिंदगी च लोगों नु परखण लई ना ते वक्त लाया है और ना ही कोई गलती कीती है, इस वास्ते ही सिंह ग्रुप ऑफ होटल्स आज तक कामयाब है। मैं थे गिनी नु परखण लई नहीं, किसी दूजे कम ले आया। जी गिनी तो साढ़े को व्याच केटरिंग करदे रहने वाली है, मैं चाहना कि तुसी सारे भी व्याच जरूर आओ। ए इनविटेशन कार्ड है।